वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में इस तरीके से कंडीशन हो सकती है, मतलब कोई फिगर भी गिवन हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पर हमने तो कंडीशन बस यहाँ पर वही स्टेप में बार बार, ठीक है। ए फैक्ट्री ओनर परचेजी टू टाइप्स ऑफ मशीन्स की बात हो रही है, ठीक है, ए और बी की। इस तरीके से रिक्वायरमेंट और लिमिटेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, लिमिटेशन है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ही हैज एन एरिया ऑफ 9000 स्क्वेयर मीटर अवेलेबल। पहली बात तो अवेलेबल का मतलब क्या है, कि इसका मतलब तो यही है ना कि एटमोस्ट, या फिर कहो कि मैक्सिमम, बात तो वही है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 9000 स्क्वेयर मीटर का एरिया अवेलेबल है, या फिर उससे कम यूज होगा या फिर सारा यूज होगा। अब इससे ज़्यादा यूज थोड़ी ना हो सकता, इसलिए इसका ये मतलब है, ठीक है। बस इन वर्डों का मतलब क्या होता है, बस ये पता होना चाहिए हमें, मतलब इनइक्वलिटी के कौन से सिंबल आएंगे, सीधी सी तो ये बात है। एंड 72 स्किल्ड मैन है उसके पास अवेलेबल, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ मैनी मशीन्स, ठीक है, दो टाइप की मशीन की बात हो रही है, ए और बी की, तो कितनी मशीन चाहिए उसे, ठीक है, टू मैक्सिमाइज डेली आउटपुट। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जेड बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से, दो मशीनों की बात हो रही है तो एक्स मान लो और वाई मान लो, ठीक है। एक्स मान ली नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, मशीन्स कौन, मशीन ए मान ली, एक बार नंबर ऑफ मशीन्स बी मान ली, इस तरीके से जितने भी नंबर उसे चाहिए, इस तरीके से ये कंडीशन बनी एक्स और वाई की। अब जेड लिख लेंगे, जेड बनेगा मैक्सिमाइज डेली आउटपुट, ठीक है, मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम तो ये तो सोल्व करके पता चलेगा, मैक्सिमम निकालनी है, सही बात है। डेली आउटपुट इस वर्ड से जेड बनेगा, सीधी सी बात है, ये रहा डेली आउटपुट, बस इसको पढ़ो इस तरीके से, डेली आउटपुट है 60 यूनिट और 40 यूनिट, तो बस कुछ नहीं करना, जितने नंबर ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है, बस इनकी मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस का साइन, ठीक है ना, दोनों मशीनों की डेली आउटपुट हो जाएगी बीच में प्लस का साइन, ठीक है। बी के लिए 40 है, 40 इंटू वाई, जितने भी नंबर ऑफ मशीन्स हैं, एक है तो 60 इंटू वन, इस तरीके दो है तो मल्टीप्लाई बाई टू, एक्स है तो एक्स की मल्टीप्लाई, बस इस तरीके से जेड लिखना है। अब इसके बाद एक्स और वाई माने, जेड लिख लिया, अब इसके बाद कॉन्स्टेंट या फिर कहो कंडीशनों की बारी है, ठीक है। किस तरीके से, ये है कंडीशन, ये बनाएंगे कंडीशन किस तरीके से, ही हैज एन एरिया ऑफ 9000 स्क्वेयर मीटर अवेलेबल, इसका ये मतलब है, इस तरीके से, ठीक है। तो बस इस एटमोस्ट को इस तरीके से लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 9000 होगा, इस तरीके से, सही बात है। एरिया की बात हो रही है, बस ये रहा एरिया, ए के लिए ये रहा एरिया, बी के लिए ये रहा एरिया, बस 1000 को एक्स से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से बीच में प्लस का साइन, 1200 को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से ज़्यादा 9000 ले, या तो उसके बराबर यूज होगा एरिया या फिर उससे कम होगा, इस वजह से इस अवेलेबल का क्या मतलब है, बस ये बातें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से 72 स्किल्ड मैन अवेलेबल उसके लिए, बस ये रहे लेबर, ठीक है, ए के लिए 12 मैन, इस तरीके से, बस यहाँ पर इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू 72 हो जाएगा एक बार, ठीक है। अब इसके बाद बस इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 की मल्टीप्लाई, जितने भी मशीन्स हैं, एक्स एक मशीन पर है ये, ठीक है, ईच मशीन एक मशीन पर इतने हैं, तो जितने नंबर ऑफ मशीन है एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन, और 8 इंटू वाई हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद ये दो कंडीशन है, सही बात है, ये कंडीशन यूज हुई, ये हुई, ये इससे जेड बना, ठीक है, सारी कंडीशन यूज हो चुकी है। इसके बाद एक्स और वाई, ये बात लिख देंगे, दोनों जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मशीन्स इस तरीके से कम जीरो ही हो सकती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पर एक और बात है, जो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलपीपी निकालने, कहने का मतलब क्या है, जो हमने मेन बात तो ये कॉन्स्टेंट वाली, ठीक है ना, या फिर कहो इनइक्वलिटी वाली, जैसे ये कंडीशन है, सही बात है, जैसे ये कंडीशन है, जेड की बात नहीं की हमने, सिर्फ इन कंडीशनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, मतलब जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब ये मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन हमने लिखना हो, ठीक है, जितनी भी इनइक्वलिटी का हो या फिर कॉन्स्टेंट का हो, उन सभी में पहली बात तो ये प्लस का साइन आएगा, सही बात है ना, बीच में प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात होगी इस वजह से, ठीक है, हमेशा प्लस का साइन मिलेगा, ये हम लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक बात होता है, यहाँ पर अब नंबर ऑफ मशीन्स की बात हो रही है, अब क्या है, यहाँ पर ये बातें लिख दें कि 1000 प्लस 1200, इस तरीके से, कभी ये केस होता है, ये केस तो कभी नहीं मिलेगा ही नहीं, वैसे ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, लेकिन इसका यूज थोड़ी ना, इस वजह से, तो सीधी सी बात है, जो ये एक्स और वाई मानोगे उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कहने का ये मतलब है,
ठीक है। तो इसका इससे बस ये पॉइंट याद रख सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखने हो, बीच में एडिशन होगा, ठीक है, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई होती रहेगी, जो जो वहाँ पर कंडीशन पूछ रखी है इस तरीके से, ठीक है बस। हाँ यहाँ पर जेड में नहीं कह रहे हम कि हमेशा प्लस का होगा, माइनस भी हो सकता है, वो कब, जब प्रॉफिट की बात हो इस तरीके से, वो कोई भी केस हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी केस हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस वजह से जेड में नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल में एक माइनस का साइन भी लिखा था इस वजह से, ठीक है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है बस इनको सोल्व करना है, ठीक है, एक ये री कंडीशन, एक ये री कंडीशन, और यहाँ से जेड निकल आएगा, जेड कब निकलेगा, जब एक्स और वाई आएंगे, सीधी सी बात है, मैक्सिमम के लिए निकालना है, ठीक है ना, और ये इस कंडीशन का कोई फायदा नहीं, ठीक, बस ये सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसके बाद इसको सोल्व कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ये कंडीशन है, सबसे पहले 1000x प्लस 1200y, ठीक है, 9000 से इस तरीके से कंडीशन है, और एक कंडीशन है 12x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 72, इस तरीके से, ठीक है। बस ये यहाँ पर इसके लिए ग्राफ सबसे पहले तो लेट करना पड़ेगा, या फिर कहो कि कंसिडर, ठीक है, तो इसको बस इनइक्वलिटी के साइन हटाओ, बीच में इक्वल टू का साइन लिख दो, कहने का ये मतलब है, ठीक है, इस तरीके से, और एक बार इसके लिए इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ से सेकंड मान लो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर दें, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, तो वो कैंसिल कर लो कुछ फैक्टर, ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर दो सभी जगह, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, इस तरीके से, ठीक है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 18, बस कैलकुलेशन है, तो इसको सेकेंड मान लो, इसको, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे एक बार, इसके लिए यहाँ पर 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 90, इस तरीके से एक बार और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 45, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। बस जो भी कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन निकालना है, जो भी तरीका सही लगे, बस ग्राफ प्लॉट कर दो इस तरीके से, ठीक है, तो कब, जब एक बार एक्स जीरो ले लो, एक बार वाई जीरो ले लो, एक बार पहली के लिए एक्स जीरो लिया, ठीक है, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स जीरो तो यहाँ पर होता है, ठीक है, वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6y 45, तो वाई हो जाएगा 45/6, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, तो 3 पर कैंसिल है ये इस तरीके से, सिर्फ कैलकुलेशन, 15/2, चलो वाई का 15/2 ये मान लिया पॉइंट डायरेक्ट, इस तरीके से एक बार इसका रिवर्स कर दो, ठीक है, एक बार रिवर्स मतलब है, एक बार वाई जीरो ले लो, तो 5x इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, तो एक्स 45/5 हो जाएगा, इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 ले लो, बस इन पॉइंटों को डायरेक्ट मिला दो, कहने का ये मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ग्राफ सिर्फ समझने के लिए होता है, बस कहने का ये मतलब है, ये फर्स्ट की है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड के लिए एक बार एक्स जीरो लो, एक बार वाई जीरो, एक्स जी पॉइंट बनेगा एक्स कोमा वाई से, इस वजह से, ठीक है ना, क्योंकि हम एक बार एक्स जीरो ले रहे हैं, एक बार वाई जीरो, इसलिए ये पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस पर हैं, ये बात पहले से पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, एक बार एक्स जीरो लिया, एक्स जीरो लेंगे तो 2y 18 के बराबर, y 9 के बराबर हो जाएगा, कब, जब एक्स जीरो, तो पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो 0,9 बना ये पॉइंट, 0,9 कहाँ पर होगा, अब ये बात हमें पता होनी चाहिए, 0,9 एक्स कितना, जीरो वाई एक्सिस पर होता है, एक्स जीरो, ये बात हमें पता होनी चाहिए, तो ये 15/2 कितना होता है, 7.5, सही बात है, तो इससे ऊपर होगा 9, तो इस तरीके से, तो इस पॉइंट की बात हो रही है एक बार, ठीक है, और एक बार इसका रिवर्स कर दो, वाई जीरो ले लो, तो 3x 18 के बराबर है, और 6 आ जाएगा, एक्स 18/3 6 यहाँ पर होगा, बस इन दो पॉइंटों को मिला दो, इस तरीके से डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बस यहाँ पर एक बात लिख देना, ये साइन दिखा देना कि जिग जैग मोशन, मतलब इक्वल गैप नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट ले रहे हैं, कहने का ये मतलब है, इस वजह से, तो भी सही है, बस हमने समझना कि कौन से एरिया की बात करनी है, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर बस इसके लिए नेक्स्ट स्टेप याद होना चाहिए कि पुट करो एक्स और जीरो और वाई जीरो, या फिर कहो कि जीरो जीरो पुट करेंगे, या फिर कहो ओरिजन, बात तो वही है ना, ओरिजन, ठीक है, कहाँ पर, इनइक्वलिटी में, बस ये कंडीशन याद रखनी है, इनइक्वलिटी में बात होगी ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि
ये तो इक्वल टू साइन के लिए इक्वेशन है दोनों, हमने तो लेस देन इक्वल टू ये सिंबलों की बात करनी है, मतलब इससे लेफ्ट की बात करनी है या फिर इससे राइट की, इस वजह से। और नॉर्मली हम ओरिजिन की हेल्प से सोल्व करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीरो जीरो रख लो, तो जीरो रखा जीरो रखा, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 9000 आया ये यहाँ से इस कंडीशन में से, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जीरो 9000 के बराबर नहीं होता लेकिन छोटा तो होता है ना, ये बस इसका फायदा उठा लो। ट्रू रिजल्ट है, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, पहली इक्वेशन ओरिजिन की तरफ, ये रही पहली इक्वेशन ओरिजिन का तरफ, ये मतलब है इस तरीके से, ये थी पहली इक्वेशन, इसका ये मतलब हुआ। ये नीचे वाला तो हमें चाहिए ना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है, या फिर कहो कि ये कंडीशन थी इस वजह से, ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। एक बार इसका, एक बार इसके लिए कर लो सोल्व, जीरो जीरो रखो यहाँ पर, तो जीरो लेस देन इक्वल टू 72, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सेकेंड भी कह रहा है इसकी तरफ, इस तरीके से ओरिजिन की तरफ, इसका ओरिजिन इसके लेफ्ट में है, तो बस ये ऊपर वाला को एरिया चला जाएगा, किस वजह से? फर्स्ट इक्वेशन की वजह से, ये कह रहा है इससे नीचे, इस वजह से ये कॉम एरिया गया इस तरीके से, और ये एरिया किस की वजह से जाएगा, ये एरिया ये सेकंड की वजह से चला जाएगा, इससे लेफ्ट की बात करनी है, तो कॉमन एरिया निकाल लो, ये है कॉमन एरिया इस तरीके से, ठीक है ना, ये है कॉमन एरिया, बस ये कॉमन एरिया। अब इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंटों की बात करनी है, एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक्सट्रीम पॉइंट एक ये रहा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, बस ए बी सी डी मान लो, इनको चार पॉइंट है तो चार नाम दे लो बस। इसके बाद कोऑर्डिनेट लिख दो, पॉइंट बनेगा एक्स कोमा वाई से, ठीक है, इसलिए जीरो जीरो मानते ताकि कुछ पॉइंट डायरेक्ट दिखे। ए क्या है? जीरो जीरो है, या फिर को ओरिजन है, सही बात है, बस कुछ पॉइंट डायरेक्ट दिख जाएंगे। बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है? एक्स पर वाई जीरो होता है, ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर 6,0 टाइप का हो जाएगा पॉइंट। इसके बाद डी पॉइंट लिख सकते हैं, इसको डी पॉइंट मानना था हमने, तो डी पॉइंट अब की बार यहाँ पर वाई एक्सिस पर पॉइंट है 15/2, लेकिन यहाँ पर एक्स 0 होगा, तो 0,15/2, बस ये बेसिक बात याद रख लेना। और सी पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, क्यों? अब सी पॉइंट का थोड़ी ना हमें डायरेक्ट पता है, बस कुछ नहीं करना, दोनों को सोल्व करो, सोल्व 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 एंड 2, जो भी तरीका सही लगे, ये री फर्स्ट ये री सेकेंड, यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो तो भी सही है, एलिमिनेशन करके निकालना चाहते हो तो भी सही है। इसके बाद हमने मैक्सिमम के लिए चेक करना था, सही बात है, तो चारों पॉइंट रखो जेड की इक्वेशन में, ठीक है। जेड की इक्वेशन थी हमारे पास 60x + 40y, बस यहाँ पर पुट कर देना, जहाँ पर भी मैक्सिमम आए जेड की वैल्यू वही मैक्सिमम हो जाएगा, साथ में लिख देना एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, इस तरीके से, बस इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन आगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।